हाय, आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही हेल्दी और खाने में एकदम स्वादिष्ट पालक छोले राइस। तो पालक छोले के राइस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे वाइट काबुली चने को 7-8 घंटे के लिए भिगो के रखा था। उसके बाद इसे 5 सीटी आने तक प्रेशर कुक कर लिया है। तो यहाँ पे हमारे काबुली चने जो है ऑलरेडी कुक है। अब आगे की प्रोसेस करते हैं। अब हमें पालक की फाइन पेस्ट बनानी है। तो पालक को मैंने वॉश करके बड़े बड़े टुकड़ों में काट के ब्लेंडिंग जार में ट्रांसफ़र कर दिया है। पालक ऑलरेडी वॉश है, इसलिए इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर है, इसलिए मैंने यहाँ पे पानी ऐड नहीं किया है। अगर आपको ज़रूरत हो तो थोड़ा सा पानी ऐड करके इसकी एक फ़ाइन पेस्ट बना लीजिए। तो आप देख लीजिए, हमारी पालक की पेस्ट बन के तैयार हो चुकी है। अब आगे प्रेशर कुकर में थोड़ा सा घी गरम करते हैं, उसमें डाल देते हैं क्यूमिन सीड्स, उसके बाद सभी खड़े मसाले ऐड कर देते हैं। खड़े मसालों में मैंने लिया है क्लोव, सिनेमन, कार्डमम, स्टार, बेलीफ। उसके साथ ही मैंने एक रफली चॉप करके ऑनियन ऐड कर दिया है। अब सभी चीज़ों को 1-2 मिनट तक सोते होने देना है। जब तक हमारा ऑनियन सॉफ्ट नहीं हो जाता तब तक हमें इसे कुक करना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ऐड किया है एक टोमेटो। टोमेटो को भी आप 1-2 मिनट तक कुक कर लीजिए। टोमेटो भी हमारा अच्छे से कुक हो चुका है। अब बारी है जो हमने पालक की पेस्ट बनाई थी उसे ऐड करने की। अब पालक की पेस्ट ऐड कर दीजिए और सभी चीज़ों को फिर से मिक्स करते हुए कुक होने दीजिए। पूरा प्रोसेस मीडियम फ्लेम पर आपको करना है। पालक की पेस्ट के साथ हम थोड़े से मसाले ऐड कर देते हैं। मसालों में मैंने लिया है यहाँ पे सॉल्ट, स्वाद अनुसार आप नमक ऐड कर दीजिए, थोड़ा सा रेड चिल्ली पाउडर, थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर, थोड़ा सा टर्मरिक और छोले मसाला। जो मार्केट में रेडीमेड मिलता है वही मैंने छोले मसाला ऐड किया है। अब सभी चीज़ों को मिक्स कर दीजिए और इसे अच्छे से कुक होने दीजिए। सभी चीज़ें हमारी अच्छे से पक चुकी है, तो अब इसमें ऐड कर देते हैं काबुली चने जो ऑलरेडी हमने कुक करके रखा है, और फिर से सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब लास्ट में बारी है राइस ऐड करने की। मैंने यहाँ पे 1 कप जितना बासमती राइस को 1/2 घंटे के लिए सोक करके रखा था। जब भी आप राइस या पुलाव बनाओ तो आप राइस को सोक करके इस्तेमाल करें। सोक करने से आपके राइस जल्दी पक जाएंगे और आपका पुलाव एकदम खिला खिला बनेगा। तो राइस को मैंने ऐड कर दिया है। फिर से एक बार सभी चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। अब लास्ट में मैंने यहाँ पे 2 कप जितना पानी ऐड किया है। 1 कप मैंने राइस लिया था इसलिए मैंने यहाँ पे 2 कप जितना पानी ऐड किया है। अब 1 लास्ट टाइम फिर से सभी चीज़ों को मिक्स कर दीजिए। अब कुकर का ढक्कन बंद करके 4 सीटी आने तक हाई फ्लेम पर इसे कुक कर लीजिए। तो 4 सीटी के बाद 10 मिनट कुकर को रेस्ट करने के बाद अब कुकर ओपन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हो हमारा पालक छोले राइस एकदम बढ़िया सा खिला खिला बन के तैयार हो चुका है। अब बारी है इसे सर्व करने की। तो एक बाउल में मैंने इसे सर्व कर दिया है, ऊपर से थोड़ा सिलेंट्रो ऐड करके इसे गार्निश कर दिया है। तो बहुत ही हेल्दी और खाने में एकदम स्वादिष्ट हमारे पालक छोले राइस बन के तैयार हो चुका है। तो आप भी मेरी आज की रेसिपी अपने घर पे ट्राई कीजिए और मेरा आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।